एक जमाना था, आए दिन 2014 के पहले याद आएगा ना कि भूल जाओगे? गहलोत सरकार के पराक्रम याद आएंगे कि भूल जाओगे? मैडम की सरकार की, दिल्ली सरकार के पराक्रम याद आएंगे कि भूल जाओगे? भाइयों बहनों, 2014 के पहले आए दिन हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी अजमेर में धमाका, कभी बेंगलोर में धमाका होता था कि नहीं होता था? कभी मुंबई में रेल के डिब्बे में सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता था कि नहीं मार दिया जाता था? कभी 26/11 कर करके मुंबई के होटल में 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था कि नहीं मार दिया गया था? कभी अयोध्या में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी जम्मू के मंदिरों में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी बनारस के मंदिर में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? आए दिन बम ब्लास्ट की खबर आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद क्या हुआ? बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये आतंकवादी कश्मीर की सीमा में सीमित हो गए कि नहीं हो गए? देश में कहीं बम धमाका हुआ क्या? निर्दोष लोग मारे गए क्या? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जरा पीछे वाले बताओ, कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अरे ये मोदी के कारण नहीं हुआ, ये तो आपके एक वोट के कारण हो गया, आपके एक वोट। ये आपके वोट की ताकत देखिए। आपने जब वोट दिया होगा तब आपको लगा होगा मैं एमपी बनाने के लिए वोट दे रहा हूं, मैं एमएलए बनाने के लिए वोट दे रहा हूं, मैं फलानी पार्टी को जिताने के लिए वोट दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आपके वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत इतनी सीमित नहीं है। ये आपके वोट की ताकत है कि हिंदुस्तान में बम धमाके बंद हो गए, निर्दोष बच्चे मरते बंद हो गए। आप मुझे बताइए, जो बम धमाके नहीं हुए इसके कारण सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच गई, इसका पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका गौरव आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे सुरक्षा का संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? इससे आतंकवादी फफड़ेंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे? इसका क्रेडिट आपके एक वोट में है भाई।